गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, हो चुकी है एक और सुबह और मैं आ गई हूँ अपने न्यू वीडियो के साथ। भाई, आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है ना, जब शुरू करती हूँ तो कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि अगर जिसकी हमें प्लानिंग होती है ना, कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं वहां की प्लानिंग, या ये पता हो कि आज क्या क्या होगा, दिन में क्या क्या एक्टिविटी मेरी होनी है, तब तो पता चलता है। आज मुझे कुछ पता नहीं है, आई डोंट नो क्या होना है। आप लोग भी देखिए, मैं भी देखूंगी कि क्या क्या होता है। तो अभी स्कूल चलती हूँ जल्दी से, क्योंकि नहीं तो लेट हो जाऊंगी। और अभी 9 बजे का टाइम है तो भाग रही हूँ मैं जल्दी से स्कूल। अभी जल्दी से स्कूल चलती हूँ, आने के बाद आप लोगों से फिर मिलती हूँ। अपने दिल की जो भी बातें गुप्तगू आप लोगों से करती हूँ, बने रहेगा व्लॉग के साथ। स्कूल के साथ, स्कूल से और घर में एंट्री कर दी हूँ। बंद कर लूँ पहले, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ कई बार, पता है। सो भी जाती हूँ ना तो खुला रह जाता है, मेरे साथ ये अक्सर होता है। और देखिए टाइम हो गया 3:00, 3 ही बज गए आते आते। और कल से ना हमारे स्कूल का टाइम चेंज हो चुका है, तो हम जल्दी ही आ जाएंगे। ओए होए होए होए, यहाँ पर सारा सामान, मतलब खाना वाना लेके जाती हूँ ना। ये बटर पेपर मेरा ख़त्म था, तो आते हुए बटर पेपर लेके आई हूँ। मुरमुरे का पैकेट लेके आई हूँ, क्योंकि मुरमुरे का पैकेट ख़त्म था। और अभी गर्मियाँ आ गई शाम के टाइम पे, मतलब थोड़ा सा चाय के साथ ना भूख सी लग जा रही है। और ये आते हैं ना ऑफिस से, सबसे बड़ी बात मतलब मुरमुरे का बहुत रहता है। मुरमुरे अच्छे से मैं इसको, मतलब इसमें प्याज, हरी मिर्च और हरी धनिया वनी ना काट वाट के अच्छे से चटपटा बना के फिर दे देती हूँ। फिर ये अपना टीवी देखते रहते हैं और खाते रहते हैं, तो पर्स में रखती हूँ। तो जैसा कि मेरा सबको पता चल गया है, भाई जो मेरे व्लॉग देखते हैं ना, वो सबको पता है कि ये मैडम जो है ना, ये जब आती है ना तो भाई लदी फदी आती है कुछ न कुछ, कुछ न कुछ। और मैं स्कूल से निकलते के साथ ही मैं सोच लेती हूँ कि क्या नहीं है आज, तो मैं वो चीजें ले आती हूँ, सारा कुछ अपना सामान वामान सब कुछ भैया घर का, क्योंकि दोबारा नहीं जाया जाता, बिल्कुल भी नहीं जाता। तब तक मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और मेरा केला भी खाने का मन, केला दिख गया तो मैं केला ही खा लेती हूँ। केला एक खाई हूँ, तसल्ली हो गई। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है, कोई भी फ्रूट हो, मतलब फ्रूट बहुत ही ज्यादा पसंद है, कोई भी फ्रूट हो। ऐसा कोई फ्रूट होगा ही नहीं जो मुझे ना पसंद हो। और इस बार मैंने अमरूद भी बहुत खाए हैं दबा के, और अब अंगूर के ऊपर लगी हुई हूँ। मुझे अंगूर बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे खाना खाने का दिल नहीं करता, मन करता है फ्रूट्स खा के फिर रह जाऊं बस। हरे प्याज की सब्जी बना के गई थी, अभी हरे प्याज आ रहे हैं। मैं ये स्वेटर उतार ही देती हूँ, क्योंकि सर्दी तो लग नहीं रही है बिना मतलब के पहनी हूँ। और सुबह ऐसा हुआ था, इतनी धुंध थी, मतलब और ठंड भी लग रही थी। मतलब मैं ना प्याज की सब्जी, हरे प्याज वाली सब्जी बना के गई थी, वही खाऊंगी। देखती हूँ क्या क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। आज इतनी भूख लगी भी नहीं है, फिलहाल मैं देखती हूँ क्या खाती हूँ। फिर मैं भेलपूरी बना लेती हूँ, मेरा मन कर रहा है भेलपूरी खाने का, बोल भेलपूरी बनाती हूँ, भेलपूरी खा लेती हूँ। चावल चढ़ाया है अभी, सब्जी के साथ ही खा लूंगी मैं सोच रही हूँ। चलो मैं खा लूंगी, ये डब्बा रख देती हूँ। मैंने चावल चढ़ाया है अभी, सब्जी के साथ ही खा लूंगी मैं सोच रही हूँ। चलो मैं खा लूंगी, ये डब्बा रख देती हूँ। मैं मुरमुरे का पैकेट भी खोल लेती हूँ, मुरमुरे का पैकेट भी थोड़ा सा। थोड़ा सा इसमें भुनी मूंगफली ये सब डाल के मतलब खा लूंगी, अच्छा लगता है ऐसे मुरमुरे। इसमें थोड़ा नमकीन मिला लो तो मजा आ जाता है, तो मैं थोड़ा सा तो खाऊंगी जब तक बन रहा है मेरा खाना। बना लिया है, बेडरूम में बैठ के बेड पे आराम से, तसल्ली से आराम फरमाऊंगी, क्योंकि ये मेरा जो टाइम होता है ना, बहुत सुकून का टाइम होता है, बहुत ज्यादा। इसमें मैं पूरा रिलैक्स होके आराम करती हूँ, क्योंकि भाई पूरे दिन जो हमें भागा दौड़ी होती है ना सुबह से उठ के, मैं मतलब थोड़ा सा रेस्ट करके उठ गई थी मतलब, तो यहाँ पर शाम हो गई है और मैंने जोत बत्ती कर ली है, भगवान जी की पूजा हो गई है शाम की। और ये भी आ गए हैं ऑफिस से, तो मैं इनके लिए भी बना रही हूँ भेलपूरी, क्योंकि भाई बहुत अच्छी लगी थी मुझे भेलपूरी, मैंने कहा लाओ इनके लिए भी बना दूँ, ये आ गए हैं तो।
अरे वाह भाई वाह, भेलपुरी चटपटी। ये देखिए इसमें मैं एक मिनट मूंगफली गिरी, नमक, प्याज, हरी मिर्च और काला नमक सब डाल दी हूँ। चाय सिर्फ वही दूध में बना रही हूँ थोड़ी सी। हमारी चटपटी भेलपुरी झटपट वाली तैयार है और आते के साथ टीवी चला लिए हैं, इनको देती हूँ पहले। ये आई हूँ और इधर मैं चला रही हूँ, इधर मशीन भी लगा दी हूँ क्योंकि कल हो जाएगा मेरा। पाल वाल कैसा होगा, कंघी नहीं की वो अभी तक, सो के उठ मैंने कंघी की ही नहीं क्योंकि कल हो जाता वीरवार, मतलब संडे की लगी थी मशीन, बट इनकी बहुत सारी नियान वगैरह हो रहे थे कपड़े, मैंने कहा चलो डाल देती हूँ, धुल जाएंगे एक राउंड और डाल दूंगी फिर सूख जाएंगे, नहीं तो कल बृहस्पतिवार हो जाएगा तो कल वीरवार को तो वैसे नहीं धुलना है। चाय वाय पी लिए हैं, ये भी चाय पी के टीवी देख रहे हैं और अब मैं दाल चढ़ा देती हूँ। और दाल में ना आज सोच रही हूँ बथुआ ले आए थे ये, तो मैंने सोचा लाओ बथुआ ही साफ करके डाल देती हूँ दाल में, मतलब दाल भी थोड़ी हेल्दी हो जाएगी ना। बथुआ डाल दो, पालक डाल दो, कुछ भी तो अच्छी भी लगती है। और सब्जी मेरी हरे प्याज जो दिन में बनी थी वो थोड़ी सी है, तो खाने वाले दो ही जन हैं, अगर मैं कोई और सब्जी बनाती हूँ तो फिर वो रह जाएगी। और अब सब्जी जो है सुबह बनेगी, इस टाइम से दाल बथुआ वाली बना लेती हूँ और उसको अच्छे से तड़का लगाऊंगी, खूब अच्छे से लहसुन प्याज हरी मिर्च मिर्च डाल के सब बढ़िया सा तड़का लगेगा भाई, जोरदार दाल बनेगी और साथ में वो सब्जी है। तो बस दूध भी ले आई हूँ मैं, दूध भी, दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध भी लेके आ गई हूँ, दूध बॉयल कर देती हूँ साथ साथ। तो मेरी दाल जो है मतलब यहाँ पर पक गई है, मैंने ऑफ कर दिया है गैस, अभी ठंडी हो रही है और तब तक मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ पर अदरक लहसुन हरी मिर्च हरी धनिया सब ले रखती हूँ, बस फटाफट मैं कट करती हूँ। मतलब बथुए वाली दाल हो, पालक वाली दाल हो, ये सब बनाओ ना और जब तक अच्छे से तड़का ना लगाओ ना तो मज़ा नहीं आता। और भैया संगम तो स्वाद के साथ समझौता कर ही नहीं सकती, इसलिए तड़का जबरदस्त लगने वाला है दाल में और फिर दाल मज़ा आएगा खाने में। और इस दाल का भी मैं पानी थोड़ा सा पीऊँगी क्योंकि ये बथुए वाली दाल है, ये तो और भी ज़्यादा हेल्दी है। मैं लेती हूँ टमाटर, पर मैंने लहसुन मतलब ज़्यादा छील लिया है, ये मैंने बचा के रख लिया है बाद में, जैसे कि मैं डब्बी में रखती हूँ आप सभी को पता है। तो अभी मेरा क्या है कि ख़त्म हो गया था और मैं ना छील नहीं पाई थी, तो अब मैं उसको रख दी हूँ। और संडे को इस बार ना मैं थोड़ा सा आने जाने में क्या बिजी हो गई, पता नहीं क्या क्या काम हो जाता है तो नहीं हो पाता है। तो मैं अपना थैला भी यही रख दी हूँ क्योंकि इसमें सुबह सुबह बॉटल वगैरह लेके जाती हूँ ना, पर्स ना नहीं तो मेरा फट जाता है क्या, बॉटल का पानी भी जब हम वाटर बॉटल रख लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, तो पर्स कितना भी अच्छा हो अगर ज़्यादा वेट डाल लो ना तो वो फटने ही लगता है। तो इसलिए मैंने ना इसी को बना रखा है बस टिफ़िन, मतलब टिफ़िन बॉटल, कई बार एक टिफ़िन की बजाय दो टिफ़िन भी हो जाती है, स्पेशल कुछ बनाती हूँ तो भी है ना, तो पर्स एकदम हल्का हल्का रहता है, नहीं तो पर्स बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, बनाते बनाते मैंने बहुत सारी बातें भी आप लोगों से कर ली है और तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। मतलब शाम को अगर काम कर लो और सुबह मुझे बहुत जल्दी स्कूल जाना है, कल तो मेरे को टेंशन हो रही है क्योंकि स्कूल हो गया जल्दी का और अभी तक तो मस्ती करते हुए आराम से सो के उठती थी, आराम से जाती थी, लेकिन अब कैसे जाऊँगी मतलब इतनी जल्दी। और कल है वीरवार, वीरवार की जो कथा होती है ना मतलब पूजा करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मुझे उसकी भी टेंशन हो रही है कि कल मुझे बहुत जल्दी नहा के मतलब 6:30 बजे नहा के पूजा पे बैठ जाना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी लग जाता है आधा घंटा तो लगता है, तो 7 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगी तभी मैं टाइम से जा सकती हूँ। तो उसके लिए मैं अभी ये कपड़े वपड़े सब बाहर निकाल लूँगी क्योंकि सुबह होता है ना कई बार कुछ मिल रहा है चीज़ें कुछ नहीं मिल रही, बहुत जल्दी से हापड़ दपड़ होती, तो अभी निकाल लूँगी तो सही रहेगा। डन, कपड़े भी धुल गए, उधर कपड़े धुल गए, उधर खाना बन गया, उधर लहसुन भी छिल गया, उधर बथुए की गुच्छी जो थी वो भी साफ हो गई, तो लगातार मतलब सारा काम हो गया है। बस अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, मक्के का आटा था तो मैं सोच रही हूँ इसमें ही पराठे बना देते, ये मैंने लहसुन अदरक काट लिया है, देसी घी और ऐड कर लिया है, मुझे देसी घी कम लग रहा था, अब इसमें डालूंगी हींग, नमक और थोड़ा सा गेहूँ का आटा भी मिला ली हूँ, अजवाइन सब डाल देती हूँ। खाना माना हो गया है हम लोगों का, दूध गर्म कर देती हूँ,
लास्ट में। और मैं अब बर्तन ना सुबह जाना है स्कूल, तो मैं बर्तन जो है भगवान जी के वो भी साफ कर लेती हूँ साथ साथ। यहाँ पर मैं भगवान जी का जो है बर्तन धोने वाला मतलब अलग डब्बी में रखती हूँ। इसमें पीतांबरी है और थोड़ा सा है विम बार जो होता है पाउडर वाला, वो इससे ना पीतांबरी से ये लोटा बहुत ज़्यादा बर्तन जो है भगवान जी के बहुत अच्छे साफ हो जाते हैं। तो अभी सुबह इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं इतना टाइम इस पर लगाऊँ, तो मैं अभी करके रख लूँगी क्योंकि सुबह जाना है स्कूल तो लेट हो जाऊँगी नहीं तो। बिना नींबू वगैरह घिस लो तब भी साफ हो जाता है, बट अभी भी नींबू नहीं है मेरे पास। नींबू घिस लो, इमली, कोई भी खट्टी चीज़ कर लो, लेकिन पीतांबरी से भी साफ हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान के जितने भी बर्तन हैं सबसे पहले मैं उसको धोऊंगी और धो के रख लूँगी, नहीं तो सुबह भी इसमें 10-15 मिनट लग जाता है। और सुबह सुबह का ना एक एक मिनट मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती रहता है, तो इसीलिए जितना काम रात को कर सकती हूँ उतना मैं करके ही सोती हूँ। तो यहाँ पर भगवान जी के बर्तन अलग से ही मतलब मैं धोती हूँ ताकि वो जूठे में ना जाए इकट्ठा हो। और यहाँ पर लगे हाथ में अपनी बॉटल भी धो देती हूँ क्योंकि कल व्रत है ना, तो वाटर बॉटल भी ऐसा होता है कि कई बार ऐसे ही टच कर लेते हैं हम रोटी वाले हाथों से खाना खाते हुए स्कूल में, तो मैं निकाल रहा हूँ इसको भी धो देती हूँ कल व्रत के लिए, साफ हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पर भगवान जी के बर्तन धोने के बाद जो घर के बर्तन थे ना डिनर वाले, वो सब मैं इकट्ठे करके फटाफट धो के और लगे हाथ निकाल ली, किचन एकदम साफ कर दी हूँ क्योंकि सुबह तो टाइम होगा नहीं, अभी हो जाए तो ठीक रहता है, किचन साफ रहती है रात को तो अच्छा भी होता है, सुबह उठो तो एकदम दिमाग सही रहता है देखते के साथ ही। व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।